केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को दिए निर्देश, कहा अपनी और परिवार की संपत्ति करें सार्वजनिक। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्ताव पास, पीडब्ल्यूडी को दी गई सिंचाई विभाग की जमीन। कोरोना की बढ़ती रफ्तार, बीते 24 घंटे में आए 2483 नए मामले, 15,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। आशीष मिश्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी, 10 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास कार्य का रोड मैप तैयार कर लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक लाल बहादुर शास्त्री भवन में हुई, जिसमें 10 में से 9 प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश 10 लाख लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा। कैबिनेट ने इथेनॉल के उत्पादन को मंजूरी दे दी है, साथ ही एक्सप्रेस वे पर 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहनों को मंजूरी दी गई है। साथ ही बेसिक इंस्ट्रक्चर्स का वेतनमान भी 9,000 रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर तिकोनिया हिंसा में आरोप तय होने को लेकर सुनवाई के लिए जज ने समय बढ़ा दिया है। अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। बचाव पक्ष के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने सुनवाई की तारीख बढ़ा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आशीष मिश्रा ने बीते रविवार को सरेंडर किया था। यहां से उसे दोबारा जेल भेज दिया गया था। खबर नोएडा से है, जहां गार्डन गलेरिया मॉल में एक रेस्टोरेंट में युवक और रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई और युवक बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक बिहार का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने रेस्टोरेंट के 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। देखिए, सेक्टर 39 थाना क्षेत्र अंतर्गत गार्डन गलेरिया मॉल है, उस मॉल में एक बार है जिसका नाम लॉस्ट लेमन है। वहाँ पे कल रात्रि कुछ लोग पार्टी करने गए थे। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पूछे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें FIR पंजीकृत की है, और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। हमारे पास सारा CCTV फुटेज है, जिसमें 8 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और सभी के खिलाफ उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पेपर लीक मामले में 3 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा और डीएम एसपी के निलंबन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पत्रकारों के समर्थन में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पेपर लीक पत्रकार नहीं केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी होती है। जिन्होंने सच दिखाया उन्हें जेल भेज दिया गया, जो गलत है। 10 मई को जब विधानसभा सत्र चलेगा तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि बलिया के पत्रकारों को न्याय मिले। जिम्मेदारी केंद्र व्यवस्थापक की होती है, पेपर लीक पत्रकार नहीं करता है। पत्रकार के हाथ अगर वो खबर लगी, वो समाचार अगर छपा, तो ये उसकी लायकियत है कि सरकार को सही बात
समय से बता दिया कि भाई इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसको ठीक कर लो। अब प्रशासन ठीक करने के बजाय पत्रकारों को ठीक कर दिया, जेल भेज दिया। तो जो यहाँ अनशन चल रहा है, इसका उद्देश्य है कि जो दोषी लोग हों उनके खिलाफ मुकदमा लिख के उनको जेल भेजा जाए, जो पत्रकार निर्दोष हैं उनके सभी मुकदमे वापस किए जाएं और उनको जेल से रिहा किया जाए। खबर रामपुर से है, जहां पशु चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पशु चिकित्सा विभाग के एक कर्मचारी पर उसके ही डिपार्टमेंट के कर्मचारी के बेटे से रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पिता की मौत के बाद युवक पेंशन और नौकरी की जानकारी लेने चिकित्सा विभाग पहुंचा, तो वहां के अधिकारी ने उसका काम करवाने के लिए मोटी रकम की मांग की। पीड़ित ने वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो रहा है। मेरे पापा श्री मदनलाल जो पशु चिकित्सालय रतौड़ में एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात थे, उनकी 23 अक्टूबर 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रामपुर के पास आया और उनसे मैंने कहा, मैंने कि सर जो पापा के ग्रेजुएटी और जो फंडी में है वो निकलवा दो। सर उन्होंने मेरी एक बार नहीं सुनी, दूसरा के फिर में पहुंचा उनके पास, उन्होंने साहब ने कुछ कहा, मैंने कि आपके पास के लिए भेजा है, तो बोले ठीक है, बोले तुम 90,000 रुपये हमें दो तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो उन्होंने पैसा लिया, बाद में हम फिर मुख्य पशु, अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ है मुख्य पशु, और मम्मी की पेंशन भी नहीं बनी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पास मैं फिर गया 20 तारीख को, 20 तारीख को वहाँ राजू सैनी भी बैठे थे, उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया और मुझसे कहा कि जा जहाँ चाहे वहाँ चला जा, तेरा पैसा हमने खा लिया, जो तेरा भेजना था भेज दिया हमने और जो कर उससे गए वो कर ले जाए मेरे पापा। खबर गोरखपुर से है, जहां ट्रिपल मर्डर का आरोपी पुलिस से मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। आपको बता दें कि आरोपी ने असलाह छीनकर पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने आरोपी के घुटने पर गोली चलाई। SSP ने बताया कि घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पता है खोराबार थाने का, जिसमें कि आज पुलिस को सूचना मिली एक पति पत्नी और इनकी बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, जिस पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा, वरिष्ठ अधिकारीगण स्वयं में SSP और AD महोदय पहुंचे और इसमें पुलिस ने जो अभियुक्त है मुख्य अभियुक्त उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक ही अभियुक्त इस घटना में बताया जा रहा है, अभी उसे गिरफ्तार किया गया है और आलोक पासवान नाम के अभियुक्त को पूछताछ के लिए अभी पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक ये सामने आया है कि इस अभियुक्त का जो मृतक बालिका है, लड़की है 22 वर्षीय करीब, उसके साथ प्रेम प्रसंग का इसने प्रयास किया था, जिसमें कि बाली लड़की के द्वारा मना करने पर। खबर गाजियाबाद के इंदिरापुरम की है, जहां एक साथ 10 से ज्यादा झोपड़ियों में भीषण आग लगने से भगदड़ मच गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं फायर ऑफिसर सुनील कुमार सिंह का कहना है कि आग की सूचना मिलते ही वो अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन झोपड़ियों में रखे छोटे सिलेंडर फटने से आग बढ़ गई। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हमारी स्टेशन 42 को सूचना मिली कि ज्ञानखंड फर्स्ट में होम वेलफेयर एसोसिएशन है बिल्डिंग RWP, उसी से सटे हुए खाली प्लाट में जो कि जो बढ़िया थी उसमें आग लग गई है और सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। तत्काल फायर स्टेशन 42 से 3 गाड़ियां भेजी गई और उसको तुरंत फायर ब्रिगेड में पहुँच करके आग को बुझा दिया थी और आग को फैलने से भी रोक दिया, बुझा दिया, किसी तरह जनहानि नहीं होने पाई। मुरादाबाद के DIG शलभ माथुर अपने बिजनौर दौरे पर है, जहां उन्होंने क्षेत्र में बन रही नई पुलिस लाइन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन के अंदर पौधे लगाए और साथ ही गांव के चौकीदारों के साथ बैठक कर उन्हें साइकिल बांटी गई। खबर रायबरेली से है, जहां किसानों ने चकबंदी अधिकारियों पर लेन देन का आरोप लगाया और कहा कि पैसा लेकर किसानों की जमीन दूसरे के नाम कर दे रहे हैं और उस पर बंजर जमीनों को आवंटित कर दे रहे हैं। वहीं चकबंदी अधिकारी जमीनों में अनियमितता को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और कहा कि मौके पर मैं खुद पहुंचकर ग्रामीणों को न्याय दिलाऊंगा।
और मेरी केस थी। मेरे गांव में चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें चकबंदी अधिकारियों के पास बार बार प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बार बार बुलाया जाता है ऑफिस, कोई कार्रवाई नहीं होती। अनियमितता पूरी चरम सीमा पर है। गांव के दलालों के खाते में अच्छी ज़मीन दे दी जा रही है, ऊसर ज़मीन हम लोगों को आवंटित कर दी जा रही है। हम लोगों ने बार बार प्रार्थना पत्र दिया कि इसको संशोधन किया जाए, परंतु फरुखाबाद में अवैध अतिक्रमण अभियान के चलते एक बार फिर बाबा का बुलडोजर चला है। शहर के बढ़तपुर क्षेत्र में स्थित शीतला माता मंदिर के बाहर बनी अवैध दुकानों पर सुबह बुलडोजर चलाया गया। मंदिर के बाहर बुलडोजर चलने के बाद हिंदूवादी नेता घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने लाल गेट पर फुटपाथ के किनारे स्थित मजार को भी हटाने की मांग की। कल के छुटे हुए पैसे जिसमें बढ़तपुर मंदिर के आगे जो ग्राम की जनपद की व्यवस्था थी, सब लोगों को सहमति और समझाने के बाद उन लोगों ने अपनी अस्थायी दुकानें हटा ली और हम लोगों ने भी जिन छोटे दुकानदारों की दुकानें हटी हैं उनके लिए पीछे एक समान रूप से व्यवस्था करने का आश्वासन दिया, जो कि हम शाम तक उनको प्लान थे। अच्छा, जब मंदिर पर वहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो कुछ हिंदूवादी नेता आए थे, क्या मांग थी, क्या मामला? एक पीछे मजार छूट गई थी इस अतिक्रमण अभियान में, जो लाल गेट चौराहे के पास में है, उसके लिए भी हम कमेटी से बात कर चुके हैं और उन्होंने एक दिन का हमसे समय मांगा है। रायबरेली के जगतपुर में एक दुकान के मालिक के घर चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने घर से 4 लाख रुपए और जेवरों पर अपना हाथ साफ किया। इस चोरी के बाद से जगतपुर पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जगतपुर में ही एक व्यापारी के घर पर लाखों की चोरी हुई थी और अब लगातार हुई 2 चोरियों के बाद लोग दहशत में है। क्या क्या नुकसान हुआ है? 4 लाख का माल था, सोना चांदी। अच्छा। पूरा जेवर चोरी हो गया, तिलक का नारियल वगैरह। अच्छा। तिलक का नारियल वगैरह सब थोड़ा उसमें। अच्छा। सब चोरी हो गया। अच्छा। चोरी हुई है। क्या क्या नुकसान हुआ है? 4 लाख का माल था। खबर कानपुर से है, जहां बाबूपुरवा में परिजनों ने पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप लगाया है। मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस चौकी के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर मौके पर एसीपी और थाने का फोर्स पहुंची और अधिकारियों ने परिजनों को समझाया और कार्रवाई का भरोसा भी दिया। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। भैया जी, एक लड़की से 5-6 साल से बोलता था, पहले उसी घर में रहता था, पैसा लेना देना खाना पीना, जब वो दारू और पीने लगा तो उसको मार के भगाना, इसको एप्लीकेशन थाने में बंद कराना, ये कराना वो कराना, तो इस वजह से खूब सब मोहल्ले वाले कहते थे बहुत देता इसको। हम सब जाते थे भैया उसका पीछा ढील दो लोग खाने पीने वाले। इसने कल 1 बजे उसको बुलाया कि पुलिस वाले को, इसकी मम्मी ने खूब मरवाया। यहाँ पर हमें सूचना मिली है कि रात में करीब 12-1 बजे एक संदीप लड़के, सोनू राठौर नाम लड़के को पुलिस द्वारा पिटाई द्वारा उसकी निर्मम हत्या हो गई सुबेरे अस्पताल ले जाते हुए। तो मेरा ये कहना है कि परिवार वाले के लिए कुछ मुआवजा निर्धारित किया जाए और जो इसमें लिप्त है उनके सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सिद्धार्थनगर में किसान अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए परेशान है। जिले के किसान अपनी फसल बेचने के लिए क्रय केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन केंद्र या तो बंद है, उन पर खरीद नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद उनकी फसल की खरीद नहीं हो रही है। यहाँ क्रय केंद्र जो है वो बंद पड़ा हुआ है, जब से गेहूँ की कटाई हुई है तब से जाके हम वहाँ कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी करवा दिए हैं और कह रहे हैं कि भाई मेरा गेहूँ खरीद लीजिए, तब से कह रहे हैं आज खरीदेंगे कल खरीदेंगे, खरीदारी नहीं हो पा रही है। अभी तक 14,000 कुंटल हमारा है खरीदा, 23 तक आपका 722 कुंटल खरीद हुआ। 23 के बाद अभी खरीदारी नहीं हुई? 23 के बाद कल संडे था, 24 तारीख आज खरीदारी, आज गेहूँ आया है किसान का। नहीं, किसान बिचौलिया खाद कहाँ बेच रहा है? यहाँ बिचौलिया अगर खरीद बिक्री होती तो यहाँ 5,000 कुंटल 10,000 कुंटल खरीदारी हो जाती है। तो फिर काहे आखिर, चूँकि बाजार भाव तेज है, वो बाकी हमारे यहाँ जो किसान आ रहा है उसका मैं तौल करा रहा हूँ। अपने स्तर से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग आएँ और केंद्र पर गेहूँ बेचें। जनपद में कुल 133 सरकारी क्रय केंद्र है, जो मार्केटिंग डिवीजन के 18, PCF के 114 और FCI के 1 हैं, और इन सभी को मिलाकर अभी तक जो खरीद हुई है वो खरीद हुई है
33,000 क्विंटल। हालांकि लक्ष्य काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस बार बाज़ारों में कीमत ज़्यादा होने से थोड़े कम आवक हो रहे हैं, तो हम लोग किसानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें समझाया जाए। खबर आए बरेली से है, जहां साइकिल सवार बुजुर्ग को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद कार पलटकर खाई में गिर गई, जिसमें सवार एक महिला घायल हो गई और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि बुजुर्ग सुबह अपने घर वापस लौट रहा था, तभी बाईपास स्थित सम्राट ढाबा के पास एक ब्रेजा कार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बुजुर्ग की मौत की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी संजय त्यागी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सज्जन पास कहां के निवासी? ग्राम सभा कमरियापुर। ये मृतक कौन है आपका, जिनका एक्सीडेंट हुआ? हमारे दादा के संबंधी हैं। तो लगभग कितने बजे एक्सीडेंट हुआ? ये हमारे यहां से लगभग 6:30 बजे घर से निकले, उसके बाद हमको अभी जानकारी हुई था हमारे। अच्छा, तो पता नहीं किस चीज से हुआ है? चार चक्का से पता लग रहा हुआ। तो तुरंत एक्सपायर हो गए थे? तुरंत। तो अभी आप कहां हो? अभी हम यहाँ सलोन ब्लॉक पर। हाँ, सुबह एक केस आया हुआ था करीब 6:30-7 बजे के आसपास में, तो उसमें एक अज्ञात व्यक्ति को NH के जो एम्बुलेंस होते हैं 10-33 से, उससे जो है मृत अवस्था में CSC सलोन लाया गया था। उसके रिगार्डिंग जो है पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।